नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश आपका स्वागत करता हूँ अपने रनीश यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में सीखेंगे इन्हीं के टॉप 5 क्वेश्चन जो किसी भी एसएससी एग्जाम में आ सकते हैं, खासकर एसएससी जेई में ये प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे नंबर पहले प्रश्न से, ये 5 प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न को पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न हमने इंग्लिश में लिखा था, उसको हिंदी में हम समझा देंगे आपको। तो प्रश्न में क्या बोला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। पूछा क्या क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी इस मैट्रिक्स रूप में। ये मैट्रिक्स रूप कैसा था, रो और कॉलम वाइज। तो हमारे इस ये साइड है रो हो गया, इस साइड वाला हमारा कॉलम होता है। हम देखेंगे कि इस प्रकार किस रिलेशन बनता है, 3 और 8, 4 से 20 कैसे आता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 4, 6, 2 से 14 कैसे आए। जो रिलेशन यह बनेगा तो 2, 5, 3 से जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क जगह वही पर क्वेश्चन मार्क जगह वही वैल्यू आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कॉलम से देखते हैं। 8, 3, 11, अभी तीनों को ऐड कर दें कितना 20 मार आता है देखते हैं। 3 + 8 + 4 कर दें कितना हो जाता है 15, कितना हो जाता है 15। तो इससे हमारा क्या 20 नहीं आया। तो हम किसको किस प्रकार देखेंगे, दूसरे प्रकार से करते हैं हम इसको। क्या करें, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 4। और बीच में क्या करेंगे, प्लस जो 8 बचा हमारा 8, इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे। तो हमारा कितना हो जाता है, 3 × 4 = 12 + 8 कितना हो जाएगा 20। 20 हमारा कुछ इस प्रकार आया कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके बीच वाली संख्या हमने जोड़ दिया, मतलब 8 को जोड़ दिया, तो हमारा 20 आ गया। तो इसी प्रकार दूसरे वाले कॉलम में देखें, देखते हैं इसमें 14 इस क्या आया था। इस प्रकार से 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे, 6 जो 20 में बची हमारा। तो हमारा कितना हो जाता है टोटल, 4 × 2 = 8 और प्लस 6 कहते हैं कितना हो जाएगा 14, कितना जाता है 14। यही ट्रिक से हम लास्ट वाले कॉलम में भी यूज करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं हम, तो इसमें क्या करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके 5 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 × 3 + 5 कितना हो जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा, 2, 3, 6 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 11। 11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कम्प्लीट होता है। हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर पहले और तीसरे वाले को गुणा करके बीच वाले को जोड़ दिया, तो हमारा क्या आ गया 20। इसी प्रकार से हमने किया था, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 को जोड़ दिया, हमें कितना आ गया 14। अब क्या करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके 5 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 11। 11 ऑप्शन ए में है, ए आंसर हो जाएगा हमारा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, दूसरे नंबर प्रश्न में। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या पूछा गया है, हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क जगह वैल्यू फाइंड करनी क्या होगा, इस सीरीज को हमें आगे बढ़ाना है, इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी वैल्यू आएगी वो पता करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे, इन सब का पहले देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है, किस प्रकार की सीरीज बन रही है। तो 3 से 10 में कितने का डिफरेंस है, +7 का। और उसके बाद 10 और 24 में कितने का डिफरेंस है, +14 का, कितने का है +14 का। और 24 और 52 कितने का डिफरेंस है, 28 का, कितने का है 28 का, +28 का। और 52 में 108 कितने का डिफरेंस है, +56 का, क्या हो रहा है +56 का। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार सीरीज बन रही है, जितने का डिफरेंस होता जा रहा है, जिसमें 7 का डिफरेंस है तो इसमें कितने का दुगुना हो गया, 7 × 14 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद 24 से 52 कितने का डिफरेंस हो गया, 28 का, 14 का भी दोगुना हो गया। तो जितना का डिफरेंस आया उसका दोगुना होता जा रहा है अगले वाले नंबर के लिए। अब देखेंगे 52 में 108 कितने का डिफरेंस है, 28 × 56 का डिफरेंस, कितने का है 56 का। हम क्या करेंगे, 56 में यह है, 56 का डिफरेंस है यहाँ, और 56 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 108 में जोड़ देंगे, जो आएगी वही हमारा वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो 56 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 6 × 2 = 12, 2 × 5 = 11। अब 108 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 108 जो हमारा है ये वाला, कितना हो जाएगा हमारा टोटल, 220 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, किस में है, ऑप्शन डी में। हम देख रहे हैं किस प्रकार सीरीज बन रही है, जितने का डिफरेंस बन रहा है उसका दुगुना होता जा रहा है। तो 3 में 7 डिफरेंस है, उसके बाद 10 और 24 में कितने का डिफरेंस है, 14 का। तो हमने क्या किया, 10 में + 14 को जोड़ा कितना गया, 24 आ जाता है।
24 में कितने का डिफरेंस के हम 52 आया 26 का, इसके बाद देख रहे हैं सॉरी कितने का है डिफरेंस 24 52 28 का, तो जितने का डिफरेंस बन रहा है उसका दोगुना करके पिछले वाली संख्या हम जोड़ दे रहे हैं, तो आगे अगली वाली वैल्यू में पता होती जा रही है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, ये चौथा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न हमने छोड़ दिया है क्योंकि उस प्रश्न को हमने बनाया ही नहीं था, पेज हट गया है वो वाला। हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न में, ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ए सीरीज इज गिवेन द वन टर्म मिसिंग, क्या बोला है वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज, इन किसी में एक को हमें चुनना है जो इस सीरीज को पूरा करे, ये हमारा मिसिंग नंबर पूछा गया है मिसिंग टर्म, तो हमें क्वेश्चन मार्क जो है कोई अल्फाबेट को पता करना है अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इनका रिलेशन चेक करेंगे किस प्रकार आगे सीरीज बढ़ती जा रही है, तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कोडिंग पता होनी चाहिए, क्या होनी पता चाहिए कोडिंग, मतलब अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर पता होना चाहिए, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, इस प्रकार हमें अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर पता होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं इन सब का वो लिख लेते हैं न्यूमेरिक नंबर, के का कितना होता है 11, एम का कितना होता है 13, ओ का कितना होता है 15, और के का कितना होता है 17। तो हम कितने करें कितने कितने डिफरेंस बन रहा है, प्लस 2 का डिफरेंस बन रहा है, 11 प्लस 2 करेंगे 13 हो जाएगा, 13 प्लस हमने 2 ऐड किया क्या है 15, और 15 प्लस 2 ऐड किया कितना हो गया 17। अगली वाली अल्फाबेट अगली वाली नंबर में पता करने के लिए क्या पता करना है, इसमें क्या करना है 2 जोड़ देना है, क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 क्या हो जाएगा 19 में कौन सा अल्फाबेट आता है कौन सा आता है यस यस 19 नंबर में कौन सा अल्फाबेट आता है यस यस किस में है ऑप्शन सी में, किस में है ऑप्शन सी में, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आ जाएगा बोल क्या आ जाएगा यस, के बाद यम आया, यम के बाद वो आया, वो के बाद क्यों आया, क्यों के बाद क्या जाएगा यस, क्योंकि दो एक छोड़ के आता जा रहा है एक छोड़ के बाद हमने एल छोड़ा तो यम आ गया, यम के बाद एन छोड़ा तो ओ आ गया, ओ के बाद हमने क्या किया पी को छोड़ा तो क्यों आ गया, ठीक है आर को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एस, मतलब एक एक छोड़ के कितने का डिफरेंस बन रहा है हमारा प्लस 2 का, कितने का प्लस 2 का 17 बार प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 में कौन सा अल्फाबेट आता है यस, कौन सा आता है यस ऑप्शन सी नंबर। इस प्रकार से हमारा चौथा नंबर प्रश्न कम्प्लीट होता है। अब हम चलते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न पे, ये हमारा पाँचवा नंबर प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया है इफ इवेंट इज कोडेड एज 5452 तो देन रिवेंज इज कोडेड एज, मतलब अगर इवेंट का कोड यह है 5452 तो तब रिवेंज का कोड क्या होगा पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे देखें इवेंट का कोड किस प्रकार निकाला गया है ई बी ई एन टी, इनका कोड क्या लिखा गया है ई का लिखा गया है 5, अब भी का क्या लिखा गया है 4, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर ई का क्या लिख दिया गया है 5, और एन का लिख दिया गया है 5, और टी का क्या लिख दिया गया है 2, 5452 लिख दिया है हमारा, और पूछा गया क्या रिवेंज का कोड बताइए, क्या पूछा गया रिवेंज का कोड बताइए, तो हम क्या करेंगे ई से देखेंगे किस प्रकार अल्फाबेट 5 कैसे आया, क्योंकि एक अल्फाबेटिक सीरीज नंबर हो क्या होता है 5, क्या होता है 5, अब भी का क्या होता है 22, लेकिन यहाँ लिखा गया है 4, तो किस प्रकार 4 यहाँ आया इन दोनों को जोड़ दिया गया 2+2, इन दोनों जो 22 है इन दोनों डिजिट को क्या कर दिया गया है जोड़ दिया गया है, 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, ई में एक ही डिजिट है 5, ई का अल्फाबेटिक नंबर क्या होता है 5, एन का क्या लिख दिया गया यहाँ 5, जबकि एन का क्या होता है 14 हमने क्या किया ये 14 दिया गया, इन दोनों डिजिट को क्या किया जोड़ दिया गया, दोनों डिजिट को क्या किया हमने जोड़ दिया 1+4 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5, अब हमारा टी से क्या लिख दिया गया 2, टी का क्या होता है अल्फाबेटिक नंबर 20, 2+0 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2, इसमें कुछ नहीं क्या किया गया है अल्फाबेट नंबर लिख दिया है जिनमें 2 डिजिट हैं उनको जोड़ दिया गया, क्या है जिनमें 2 डिजिट दिया गया उन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, उसके बाद उसका नंबर लिखा गया है उसकी वैल्यू। अब हम देखेंगे रिवेंज का कोड क्या बनेगा, आर ई बी ई एम जी, क्या है रिवेंज लिखा गया है, तो आर के कितना होता है 18, बी का कितना होता है 5, सॉरी ई का कितना होता है 5, बी का कितना होता है 22, ई का कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14, अब जी का कितना होता है 7, ई का कितना होता है 5, अब देखेंगे ये इसमें जिन जिन में 2 डिजिट होगा उसको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, जैसे 18 को ये दोनों डिजिट आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1+8 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा
नाउ ए एक सिंगल डिजिट यहाँ लिख देंगे, बी का 22 लिखेगा, दो प्लस दो करेंगे दो डिजिट है क्या हो जाएगा 4, फिर क्या लिख देंगे यहाँ 5, इनका कितना दिया गया है 14 होता है अल्फाबेटिक न्यूमेरिक नंबर, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5, ई का कितना होता है 7, सॉरी जी का कितना होता है 7, ई का कितना होता है 5। अब देखेंगे ये इन नंबर किस ऑप्शन में मैच करता है, 9 स्टार्टिंग क्या है 9, 9 किस में स्टार्टिंग में ए में है और सी में, बी और डी में नहीं, तो बी और डी गलत हो गए, हमारा कौन सा बच गया अब ये, अब दूसरा क्या बच गया 5, क्या बच गया 5, 5 इसमें नहीं है ए नंबर में ऑप्शन में नहीं है, तो किस में है सी नंबर ऑप्शन में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा सी नंबर, देख मिला देते हैं 9 5 4 5 5 देख सकते दोनों और 7 5 है लास्ट में, इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही होता है। अब जल्द अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखें, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।